चलिए करें स्टार्ट आज क्लास। आवाज क्लियर है सबको? हाँ यस सर। लिखो। हमारा लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन रह गया था, वो तो डेरिवेशन कर लेते हैं। लिखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। ठीक है, चलो देखो, हमने डिस्कस किया था ड्यूटी के बारे में। लिखो, मैं इसमें आपको डेफिनेशंस के साथ साथ जो भी थ्योरी बैकग्राउंड है इसका, क्वेश्चन का, वो सब लिखा रहा हूँ। तो एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स के लिए डिफाइन ड्यूटी। तो लिखो, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया इन हेक्टेयर इरिगेटेड बाय 1 क्यूमैक ऑफ द वाटर। 1 क्यूमैक, PUMEC, 1 क्यूमैक ऑफ द वाटर सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बेस पीरियड। सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बेस पीरियड। ठीक है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूटी को भी मैंने लिखा था फॉर्मूले में, याद है क्या? ड्यूटी बराबर एरिया पर यूनिट, क्या था? डिस्चार्ज था, बोलो। तो ड्यूटी होता है एरिया, जो कि हम लोग हेक्टेयर में गिनेंगे। इस एरिया को इरिगेट कौन कर रहा है? 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का पानी जो है उसको इरिगेट कर रहा है। 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का जो पानी है उसको इरिगेट कर रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बेस पीरियड। ये देखा, A/Q। अब बेटा, अगर डिस्चार्ज की वैल्यू 1 क्यूमैक पकड़ा मैंने, डिस्चार्ज कितना पकड़ा? 1 क्यूमैक। तो बोलो ड्यूटी कितना देगा? डी क्या होता है? A/Q होता है। क्यू कितना है बेटा? 1 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? आओ सर, सबको A1 डी बराबर ए हो जाएगा। ए हेक्टर, इतना नोट कर लो पहले। ड्यूटी होता है एरिया बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को मैंने 1 क्यूमैक लिया, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो डी बराबर ए बन जाएगा। समझा कौशिक? हाँ सर। नोट कर लो। लिखिए, ठीक हाँ हो गया सर। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ
वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड। देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डेप्थ ऑफ वाटर। अगर तुमको ये पता करना है कि पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो तुम पहले क्या करो, एरिया निकालो, एरिया को डेप्थ ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, एरिया को ए बोलो, डेप्थ ऑफ वाटर को डेल्टा बोलते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, पानी जितना तुम सप्लाई करते हो ना डेप्थ में, तो उसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग। बोलो ठीक है। था अब बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए, डी ए की वैल्यू डी बोला ना हमने, यहाँ पे कहा डी इंटू डेल्टा। और एरिया अपन गिन रहे हैं हेक्टेयर में, एरिया किसमें गिन रहे हैं, हेक्टेयर में गिन रहे हैं, बराबर। बोलो बेटा एक हेक्टेयर कितना होता है, एक हेक्टेयर कितना मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर याद रखना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक हेक्टेयर जो एरिया होती है ना वो होती है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो तुमको ये हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में ही बोला था कि एरिया को हेक्टेयर में गिनेंगे, और एक हेक्टेयर क्या होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है। चलो अभी आएंगे हम लोग स्टेप नंबर टू पे। अभी निकालो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वापस निकाल रहा हूँ दूसरी तरीके से, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड, ड्यूरिंग द बेस पीरियड। बेटा बेस पीरियड के दौरान हम कितना पानी सप्लाई करेंगे, कल हमने देखा था ना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वो था डिस्चार्ज इनटू क्या था, रोनक, डिस्चार्ज इनटू बेस ऑफ बेस पीरियड बेस पीरियड। वॉल्यूम क्या था, डिस्चार्ज इनटू बेस पीरियड। अपना डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज कितना अपना, एक मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, मतलब एक क्यूब है ना। और बेस पीरियड हम गिनते हैं बी दिनों में गिनते, वो डेज में गिनते ना, बी डेज में। बेस पीरियड गिनते हैं डेज में, डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड लिखा बेटा, बी डेज, डेज को सेकंड्स में काउंट करो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। यहाँ पे सेकंड सेकंड कटेगा, करो मल्टीप्लाई, 1 × 24 × 60 × 60 करो, बताओ कितना रहा आंसर।86,400। यहाँ पर है 86,400 × b, आंसर आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि सेकंड सेकंड तो कट गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर टू, लिखिए बेटा। यस सर।
अब बस कुछ नहीं करना, इक्वेट करना 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, वन और टू को इक्वेट करो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो राइट साइड कैन बी इक्वेटेड। इसका राइट साइड कितना है, डी इंटू डेल्टा इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू, इसका राइट साइड कितना है, 86440 इंटू बी, यहां से ड्यूटी निकाल लो, 86440 बाय 10 की पावर 4, ये बी लिखा और डेल्टा भी इसके नीचे ला लिया। इसको आप सॉल्व करेंगे ना इन दोनों को, तो ये आता है 8.64 बी बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यूटी बराबर 8.64 बी बाय डेल्टा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये 4 मार्क वाला कंफर्म क्वेश्चन है, 4 या 6 मार्क वाला कंपलसरी सर हम क्वेश्चन है, आपको भी सबको सबको। चार या फिर 6 मार्क के कैटेगरी में क्वेश्चन पक्का है ना। लिख लिया सब लोगों ने,